इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। करने और देश में अतिराष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी सरकार ने बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसका मकसद बीजेपी का चुनाव जीतना था, बीजेपी का चुनाव जीतना था। अरे पाकिस्तान से क्या लेना देना, जोड़ लीजिए, साथ में जोड़ लीजिए आरजू को, जोड़ लीजिए आरजू। इसका क्या मतलब है, फिर इसका क्या मतलब है। प्रेम शुक्ला बुलाइए आरजू किसी के सामने, प्रेम शुक्ला जी विद आरजू, इसका क्या मतलब है। फिर इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन यूनियन की डिसइन्फो लैब रिपोर्ट इंडियन क्रॉनिकल आई है, वो आपको आपके लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं अच्छा तमाचा, प्रेम शुक्ला जी आप समझाइए। तमाचा तो बालाकोट में मारा गया था, जिस तमाचे के बाद आपके हौसले पर जगह होती रहती है। आप क्या भी हो रही थी, 71 में मारा गया था, आपके 53,000 लोग इमरान खान के चाचा जनरल लिया जी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हुए थे। तमाचा तब आपको मारा गया था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। तमाचा तब मारा गया था जब आप कारगिल पे चढ़ने की कोशिश की और आपको पूरी तरह मारा गया और आप अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए, आपकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा कोई दुनिया में देश नहीं है जो अपने सैनिकों को आतंकवादी बनाकर कहीं भेजता हो और बाद में जब सैनिक मारे जाए तो उन सैनिकों की लाशें भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता हो। इतना दुष्ट राष्ट्र पूरे देश दुनिया में अकेला अकेला और अकेला पाकिस्तान है जो अपने सैनिकों का भी सम्मान नहीं करता। उनकी लाशों को आखिरी जो अंतिम समय जो उनको सम्मान देना चाहिए उस सम्मान से भी वंचित रखता है। तमाचा आपको मारा गया, सर्जिकल स्ट्राइक करके मारा गया, तो बालाकोट में घुस कर मारा गया। और आप हम लोगों ने आप लोगों को कितना से मार भगाया, कितने से आप लोगों ने झूठे, और सारी दुनिया को पता चल गया है कि इंडिया ने फॉल्स रेस किया था। पूरी दुनिया को पता चला है कि इंडिया ने अपना ही जहाज मार कराया। पूरी दुनिया को पता चला है कि इंडिया के पायलट जो है वो इतने काबिल नहीं थे कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अरे मैडम दुर्दाना जी, अभिनंदन याद है कि नहीं आपको? दुर्दाना जी अभिनंदन याद है कि नहीं आपको? अभिनंदन याद है कि नहीं दुर्दाना जी? दुर्दाना जी मैडम अभिनंदन याद है आपको? बहुत बड़ा अभिनंदन जी याद है, बड़ा अभिनंदन करना पड़ा था पाकिस्तान को, वंदन करके लेकर वापस आए थे अभिनंदन को, याद है ना? हिंदुस्तान के शूरवीरों के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगी। के ऊपर छोड़ा था, वरना आज भी अभिनंदन हमारे कब्जे में होता। और अरे मैडम कहा, कौन सी ख्याली पुलाव आप पका रही है दुर्दाना जी, कौन सी ख्याली पुलाव पका रही है? दानवीर जी, दानवीर, कर्नल दानवीर, कर्नल दानवीर को लाइए सामने। कर्नल दानवीर जवाब दीजिए इसका। इंडिया आज भी हमारी पाँव चाट रहा होता, हमारी बिनते कर रहा होता। मैडम तमीज से, मैडम बहुत सही ना आपकी भाषा, तमीज से, बिल्कुल तमीज से, तमीज से, मैम नहीं, मान रखने के लिए लड़ाई को अवॉइड। अभिनंदन फिर से याद कर लीजिए, थर थर कांपेंगे। मैडम पांच दिन पहले ब्लैकआउट हुआ तो फिर बालक को डरा रहा था भाजपा को, डराइएगा नहीं। दो ये जो आप ये महिलाएं कहां से पकड़ के ले आई हैं, पाकिस्तान से, जिनको ये असलियत हकीकतें नहीं मालूम, ये कह रहे हैं कि ये जो सिंध की जो खबर है ये कहां से आप पकड़ के ले आई हैं, लेके आ गई हैं, इनको ये मालूम नहीं है। आपको जवाब दे रहे हैं ना, खबर दिखाई नहीं जाती है। जो ऑपोजिशन पार्टी की रैली है
वही नहीं दिखाई जाती, वही नहीं दिखाई जाती, तो ये क्या, इनको क्या पता लगेगा कि सिंध के अंदर ऐसा एहतजाज हो गया है। और इनको तो ये जो आप ये पाकिस्तान से ये जो पकड़ के लेके आए हैं हिंदुस्तान पर, इन्होंने तो इमरान खान का प्रोपेगेंडा वैक्सीन लगा रखा है। आप इनकी बातों को सुनिए, इनको प्रोपेगेंडा वैक्सीन लगा हुआ है, प्रोपेगेंडा इसीलिए इसी तरीके की बातें कर रही है। इनको कोई, इनको कोई ना इनको नॉलेज है ना कोई इंटेलेक्ट है। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके की बेहुदा और बेकार बातें कर रही है, तो दूसरे को ये कहा जाता है कि इंटेलेक्ट नहीं है। प्रेम शुक्ला जी ने कितनी सफाई से बताया कि पाकिस्तान की फौज ने अपने घुसपैठिए फौजियों की लाशों को लेने से मना कर दिया। अरे ये दुजाना जी को पूछिए, इनको मालूम है ये हमने करे पाकिस्तानी दफन, पाकिस्तानी सब परचम के अंदर लपेट कर हमने दफन करे हैं, क्योंकि आपके बुजदिल फौजियों ने उनको लेने से मना कर दिया। यही इंडिया का सबसे बड़ा मसला है। कोई फौज नहीं है, बेकार फौज है, हमेशा हारते रहे हैं, पिटते रहे हैं, पापा जो उसके पीजे चलाते हैं, चोर है। आप 50 साल आप लोग इतने कमजोर दिल, आप कहां के अल्हम्दुलिल्लाह को छोड़िए यार, आप लोग बांग्लादेश 50 साल को कहां से लाए बीच में, आज की बात करें, बहुत ही बुजदिल फौजी है, वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हमने प्लान बना लिया कि हमने अंदर आना है, सिंध को आजाद कराना है, बलूचिस्तान को आजाद कराना है, गिलगित-बल्तिस्तान को आजाद कराना है, तो आपके बुजदिल फौजी नहीं बचा पाएंगे, दुजाना जी नहीं बचा पाएंगे। आपने जो जो प्रोपेगेंडा वैक्सीन लगाया है उसका इलाज करा लीजिए। आरजू दुर्दाना जी मैं बहुत दुर्दाना जी सुनिए, मैडम अभिनंदन फिर पढ़ लीजिए एक बार, सब पता चल जाएगा भारत के शूरवीरों के बारे में, भारत के फौजियों के बारे में। आरजू मैं फिर कह रही हूँ, बैग वैग पैक किया कि नहीं किया? जी को रात भर कोई रहना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ, कि कब अभी हर व्यक्ति को डर लगता है वहाँ, और इनका एक और जहाज कोई रहना नहीं चाहता है। अमित को अपनी जीवन, अमित अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। अमित आरजू के साथ, अमित को नहीं छोड़ा, आरजू के साथ स्क्रीन पे आइए, उनका पीछा किया, दुश्मन को गिराया। वैसे वैसे अमित बैग पैक करके करेंगे क्या? आपकी तो भी सीज कर देते हैं लोग, कैसे आएंगे? इनको वीजा कोई देता नहीं है, समझ जाइए, पाकिस्तान को वीजा भी नहीं मिलता तो जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान पासपोर्ट की वैल्यू क्या है ये तो उनके खुद ही अदाकार ने एक टीवी इंटरव्यू में बता दिया था कि उसकी क्या वैल्यू है। तो वीजा तक तो मिलता नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट में, तो जाएंगे जब बुलाया है। ठीक है, आरजू कंप्लीट कीजिए मैम, कंप्लीट कीजिए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह की मूवमेंट जो है वो चलती रहती है हर कंट्री में। आपके अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, आपके यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें इमरान खान की फोटो नहीं लगाई पर किसी ने कभी कोई? अरे आपके यहाँ के लोग लगातार अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं मैडम, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं सिंध के लोग। मोदी के पोस्टर्स लगा के लड़ रहे हैं, भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी पर, 70 के दशक से मांग रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ाया अपना? ठीक कह रहे हैं, जीएम सैयद की 170वीं जयंती थी, प्रधानमंत्री मोदी को उसके दिन पे हुआ है। ये फर्क है आपके प्रोटेस्ट में, हमारे प्रोटेस्ट में, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होता है भाई, मोदी के पोस्टर हमने थोड़ी लगाए हैं। आपके यहाँ प्रोटेस्ट होता है, स्क्रीन पे लाइए आरजू और अमित को, स्क्रीन पे लाइए इंडियन फ्लू से सब बता दूं, पाकिस्तान में फिजिक करके सब कर रहे हैं, हिंदू ने रोका है ना, उनको मारा है ना ही उनको बंद किया है कहीं। अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है किसी बात पे तो इतनी बड़ी आबादी में से कुछ लोग निकल के अगर करते हैं तो उनको फुल आजादी है, वो कर सकते हैं, फ्रीडम है यहाँ पर। इसी तरह जैसे आपके यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग पे लोग बैठे थे, शाहीन बाग को ले आइए बीच में, शाहीन बाग के लोग हिंदुस्तान, मतलब ये है कि पाकिस्तान शाहीन बाग फेल हो गया पाकिस्तान का, मगर सिंध में तो भारतीय प्रधानमंत्री के पोस्ट ये निकल रहे हैं, तो लोग तो भारतीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बचाएं। आप मुझे दुनिया का एक मुल्क बता दीजिए जहां पे दूसरे देशों के
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नारा लगाते हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कश्मीर को छोड़ देंगे, ये बात हो जाएगी? आप फिर मान जाए अगर ये करने से लोग अपने उस एरिया को छोड़ने पे आ गए तो फिर आप भी छोड़ दो कश्मीर, वहाँ पे तो लोग अपने झंडे लहराते हैं और आपके चाहिए। मैडम इमरान खान का झंडा कोई नहीं लहराता, इमरान खान का झंडा कोई नहीं लहराता, इमरान खान के तो अगेंस्ट में लोग हैं, पाकिस्तान में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पाई पाई को मोहताज है। अरे वो देश क्या बताएगा हमको? गधे बेचकर देश का रेवेन्यू बढ़ाते हैं आप लोग, गधे बेचकर देश का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। मैडम वैक्सीन पे अता पता नहीं, आतंक के रास्ते चलेंगे, पूरा बर्बादी पे जाएंगे आपके देश में। ये बताइए प्रधानमंत्री चलाते कहाँ है देश? सेना चलाती है देश, तो भारतीय सेना से कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, हो भी नहीं पाएगा। आप लोग तो बेचारे भूखे मरते हैं सारे फौजी। दानवीर जी दुर्दाना को जवाब दीजिए। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में 1,00,000 औरतों के साथ में इज्जत आबरू ही करी थी। खाने को ये वो बुजदिल फौजी है जिन्होंने औरतों की इज्जत लूटी, 3,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये बुजदिल वो फौजी है जिन्होंने 1,00,000 की तादाद में होने के बावजूद हथियारों से लैस इन्होंने हमारी फौज के सामने हथियार डाल दिए। ये उस फौज की नस्ल है जो ये अभी टेलीविजन पर बैठकर हमें ज्ञान दे रही है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और भारतीय की फौज क्या है। अब देखा ना, आपको खांसी लग गई, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। आपसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, आप महान लोग हैं, आपकी तरह औरतों की इज्जत नहीं लूट सकते हम, आपकी तरह अपने लोगों के ऊपर बम नहीं गिरा सकते हम, आपकी फौज के साथ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी फौज बिल्कुल दरिंदरों की फौज है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है उन लोगों के साथ। आपकी फौज से परेशान होकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी चिंता ना करें। सिंध के अंदर आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है, बलूचिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई है, सुजाना भी हम आ रहे हैं, हम आपके घर आ रहे हैं, आप चिंता ना करिए, हम आपके घर आ रहे हैं। राजनीतिक प्लेटफॉर्म देते सिंध के लोगों को, बेनजीर भुट्टो के बाद कोई परिवार बता दीजिए जो सिंध से आता हो आपके पाकिस्तान में। घर पे बंद हो जाइए, घर छोड़ के भाग जाइए, हम आने वाले हैं, ध्यान रखिए, हम आएंगे सिंध को आजाद कराएंगे। सिंध में बहुत लोग हैं सर, इतने थोड़े से लोगों को सिंध के साथ आप नहीं जोड़ सकते। थोड़े से लोग बाहर आ गए तो आप कहेंगे कि पूरा सिंध बाहर आ गया। आपको पता है सिंध कितना बड़ा सूबा है हमारे यहाँ? बिल्कुल पता है। इमरान खान भूल गए तभी सिंध के लोग बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान भूल गए, ऐसे झूठ बोली जा रहे हैं आप लोग। आरजू अपनी तरफ से प्रेम शुक्ला जी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध करेंगे और मोदी विरोध पाकिस्तान की बर्बादी का सबक बनेगा। यही मोदी विरोध पाकिस्तान की बर्बादी का सबक बनेगा। प्रेम शुक्ला, देखिए माधुरी जी, देखिए दुर्दाना कितनी भी मुर्दाना बातें कर ले, दुर्दाना अपने मुर्दाना फौज की कितनी भी आरती गा ले, लेकिन सत्य ये है कि पाकिस्तान की फौज ने आज तक अपने पाकिस्तानियों को मारने के अलावा पूरी दुनिया में क्या किया है? अब बलूचिस्तान के निर्दोष कहते हैं, असल में इंडिया को करते हैं, उसका आंसर दिखाया है और इंडिया को नहीं तकलीफ है, वो जो है पंजीरी बनाओ। इसके अलावा क्या सबसे बड़ी तकलीफ पाकिस्तानी फौज है कि उसका मुकाबला नहीं कर सकती? तो पाकिस्तानी सबसे बड़ा मसला यही है, मारते हैं बालाकोट में, मारते जिनके आर्मी चीफ को पसीने छूटने लगते हैं। अरे आपकी हरकत उसमें टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, आप अपना शक्ल जाके देख के आइए उस टूटे हुए आईने में जो आपकी फौज आपको दिखाती है। आपकी फौज से जाके पूछिए कि पश्तून जो नारा लगा रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे दुजाना के ये सैनिक है जिसकी ये तारीफ कर रही है यहाँ बैठ के बेशर्मों की तरह से। शर्म आनी चाहिए आपको, आप झूठ बोलती हैं और अल्लाह का नाम लेती हैं। आप कैसी मुसलमान हैं? आप दिन और रात के साथ खड़ी, आपकी फौज आपके देश के साथ नहीं खड़ी, आपकी फौज आपके देश के साथ नहीं खड़ी। अमित राणा बुलाइए आरजू के साथ, आपकी फौज आपके देश के साथ नहीं खड़ी। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, आपके देश में खाने को कुछ नहीं बचा, बर्बादी कंगाली सब सामने आ रही है, लगातार आतंक के रास्ते पे लगाइए पैसा। वही फौज जिसकी आप बात कर रही है ना, वही फौज जो आतंकी तैयार करती है, वही फौज जिस पर आपको घमंड है, जो आतंकी तैयार करती है।
करती है। दुनिया भर में आतंकिस्तान कहलाता है आपका पाकिस्तान, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। और जो लोगों की विकास में पैसा लगाना चाहिए था वो बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं लोग, ये समझ लीजिएगा। अमित कुल आई सामने, सिंध की मांग कोई आज की मांग नहीं है। आपने उन लोगों से उनका अस्तित्व, उनकी अस्मिता छीनी, उर्दू थोपी उन पर, क्यों बता सकती हैं आप? उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और सारी पूरा पाकिस्तान उर्दू बोलता है। बोल तो आप पंजाबी एक्सेंट में रही हैं और उर्दू कहती है नेशनल लैंग्वेज है, यही समस्या है। बिल्कुल यही समस्या है पंजाब की मैडम, पूरे पाकिस्तान की यही समस्या। एक्सेंट आपका पंजाबी, कहती है उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बलूच रो रहा हमारी भाषा खाद है, सिंध कह रहा हमारी आइडेंटिटी खाद है। तो ये तो सच्चाई है। आज यूएई आपके मित्र सऊदी ने तो बेल आउट पैकेज वापस ले लिया था, अब यूएई भी वापस ले रहा है। आपके आपके अपने 70 साल से जो आपके अपने दोस्त थे वो आज आपके साथ खड़े नहीं है और आप दुनिया को आईना दिखाने निकले हैं। आपका अपोजिशन का जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? इतना टाइम आप लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, अगर आप अपने देश को संवारने में लगा दें, उसका काम आप अपने देश में कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पाकिस्तान मैडम सुनिए, आरजू जी सुनिए, हमारी गम हम नहीं लगा रहे। नरेंद्र मोदी का फोटो, माननीय प्रधानमंत्री का फोटो सिंध के लोग लेकर चल रहे थे, दुनिया भर में समर्थन की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ये समझ लीजिए, ये हम आपके घर में नहीं आए, हम एशियाई यहाँ जो लोग परेशान हैं वो मोदी की तरफ उम्मीद से देखते हैं। आज पावर बनने जा रहे हैं, आप हमें क्या बता रहे हैं? और आप हमें क्या बता रही है? हम अपनी तरफ देखें, आप अपनी तरफ देखिए, आप हमारी तरफ देखती रहती है। आप अपनी तरफ देखिए और देखिए कि आपकी गलियों में क्या हो रहा है। आपके वो सलवार पहने हुए फौजी क्यों नहीं लड़ पाते हैं हमसे? आप उनसे सवाल पूछिए। जय श्री राम नहीं बुलवाते हम, इतने भारत लोग नहीं है कि जबरदस्ती लोगों को कहें जय श्री राम। वो आपकी गलियों में होता है। 10,000 बलूची गायब है, 10,000 बलूची गायब है, 1,000 हिंदू लड़कियों को आपने अगवा करके मुसलमान बनाया हुआ है। आप ऐसी घटिया हरकतें करते हैं कुरान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप इतने घटिया मुल्क से वाबस्ता है। अरे कोरोना वायरस, आपकी वैक्सीन का क्या होगा मैडम? वैक्सीन का क्या होगा दुर्दाना जी? चीन तो दुत्कार दिया, हमारे टाइम पे वैक्सीन कहां से आएगी बताइए? ये कौन बोल रहा है? इमरान खान का इंटरव्यू सुनिए, पूरी दुनिया ने सुना है, पाकिस्तान की दुनिया ने सुना है। उनके पास ना कोई प्लान है अपनी औरतों के वैक्सीन का, बता दीजिए। भारत आपका बम गिरा दो, पूरी दुनिया में फिर बना दिया, हम डेमोक्रेट दिखा दिया है। हमारी हिंदू अक्सरियत है, हम ऐसे ऐसे किसी के ऊपर उत्पीड़न नहीं करते जैसा ये बता रही है, जो भी कोई बता रही है। जो हिंदुस्तान को हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहते हैं, जैसे यूनियन जैक लगता है, अब ये भी तुमसे सीखना पड़ेगा, ये भी तुमसे सीखना पड़ेगा। मर्द सलवार पहनते हो, चाइना होते जा रहे, ये वो लोग बताएंगे हमको कि हमें क्या करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। धोती से बेहतर सलवार है भाई, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं, कोई अक्ल की बात करें आप लोगों की। तो आप, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं किस किस्म के पैनल के साथ बैठी हुई हूँ। क्यों? बिल्कुल हमारे यहाँ पे धोती आदमी पहनते हैं, तुम्हारे यहाँ पे तो सलवारें औरतें भी पहनती और आदमी भी पहनते हैं, हमारे यहाँ पे तो सलवार सिर्फ औरतें पहनती है। तो इसलिए हम तो पूछेंगे, तुम तो उस मुल्क हो जहाँ पे आदमी सलवार पहनता है, तो जो आदमी सलवार पहनता है उससे हम क्या बात करें? कपड़ों से, कल्चर से, अस्मिता से, अस्तित्व से, सबकी है। और ये जो आपका गुस्सा है ना, किस तरह के पैनल के साथ बैठे आप हिंदुस्तान में आप दिख रही हैं, ये समझ लीजिए। ये मेरे पैनल को आप कुछ ना कहें तो ठीक रहेगा, आप भी सम्मानित हैं पैनल में। आप काट दीजिए फोन, आपको दुख हुआ क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था, आपके पास आंसर नहीं था, आपके पास उस बात का आंसर नहीं था कि आप ही के यहाँ के सिंध के लोग क्यों प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे, इमरान खान से उम्मीदें क्यों नहीं है? जवाब दीजिए आरजू, अमित के साथ लाइए आरजू को। देखिए इमरान खान साहब के लिए जो है बहुत, हमारे पीडीएम का भी चल रहा है, जो रैली चल रही है उनके अगेंस्ट बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि ये भी अपोजिशन ने कुछ करवाया हो और ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इतने थोड़े से लोग अगर कोई बात करते हैं तो उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। इस तरह की रैली तो आपको पता है अमेरिका तक में होती है, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत लोग निकलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं,
और ये आजादी होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बाहर आएगा। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आजू जी, ये मुल्क से आजादी की बात कर रहे हैं और इनकी आजादी की मुहिम सत्तर से चल रही है। ये आरजू जी को नहीं मालूम होगा कि भुट्टो ने खुद सिंधी होने के बावजूद फौज के कहने पर सिंधियों के ऊपर एक क्रैकडाउन किया था, जिसके अंदर अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारे सिंधुओं को मारा था। ये वो दहशतगर्द फौज है जिसके खिलाफ नारे लगते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और आरजू उन्हीं की पैरवी कर रही है। बड़ा दुख की बात है कि इस तरीके की बातें हमारे टेलीविजन पर ये पाकिस्तानी आके करते हैं। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर कि लोगों को अपने सिस्टम पे अपनी सरकार पे करती है। आप उन्हें